आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने स्मार्टफोन से घर बैठे दुनिया के कोई भी सीसीटीवी कैमरे को हम कैसे देख सकते हैं जो पब्लिक के लिए ओपन है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सीसीटीवी कैमरे हैं जो पब्लिक के लिए ओपन है, उसको आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आप उसको लाइव देख सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो मैं आपको आज इस वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन से घर बैठे दुनिया के कोई भी सीसीटीवी कैमरा को आप देख सकते हैं जो पब्लिक के लिए ओपन है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। Shut up and sit down. में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस लिंक पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे आके ओपन हो सकते हैं, या आपको प्ले स्टोर में लाइव कैमरा ऑन सीसीटीवी डालना है। डालने के बाद वहां से आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहां से इसको ओपन करता हूं, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका दुनिया भर का जो भी कैमरा पब्लिक के लिए ओपन है वो आपको सारे के सारे आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे हांगकांग है, कोची है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इस तरीके से यहाँ पे रूसिया है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। तो यहाँ पे आपको ढेर सारा जो कंट्री है जो पब्लिक के लिए जो कैमरा ओपन है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हैदराबाद आ चुका है, इस तरीके से आपको है बहुत सारा कंट्री है जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं जो पब्लिक के लिए कैमरा ओपन है। तो यहाँ से उसको आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे आप इसको कंट्री वाइज भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंट्री वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख रहे हैं दुनिया भर में जितने कंट्री है वो सारे के सारे आ चुके हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको राइट साइड में यहाँ कैमरा भी मिल रहा होगा कि ये पब्लिक के लिए कितने कैमरा ओपन है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे मैं इंडिया का देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया में देख रहे कि 21 कैमरा पब्लिक के लिए ओपन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही यहाँ जो इंडिया में जहाँ जहाँ भी कैमरे पब्लिक के लिए ओपन है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर न्यू दिल्ली जो इंडिया है मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं देख लेता हूँ। इसमें क्लिक करके यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे नीचे लाइव दिख रहा है और ये एकदम एक्यूरेट आपको यहाँ पे शो कर रहा है, दिखा रहा है जो अभी का टाइम है, अभी का जो चल रहा है टाइम वो टाइम आपको यहाँ पे शो कर रहा है। और इस तरीके से यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो एकदम ये एक्यूरेट लाइव है। इस तरीके से मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद अब मैं इसको दूसरा कुछ और देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप जिसको भी देखना चाहते हैं उसको पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ हैदराबाद है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ इंडिया हैदराबाद, यहाँ पर मैं इसको देखना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर टाइमिंग भी आ चुका है 12/2/2021, अब यहाँ पर आपको टाइमिंग चल रहा है, जो टाइम अभी का है वो टाइम यहाँ पर आपका यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है देख लेना है, जहाँ का भी आप देखना चाहते हैं उसको बहुत ही आसानी से आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ ऑफिस का वगैरह का है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको लाइव शो कर रहा है, ऊपर में यहाँ आपका टाइमिंग भी यहाँ पे आपको ऊपर चलता हुआ शो करता होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑफिस का है। तो इस तरीके से आप है ना लाइव देख सकते हैं। अभी का जो टाइम है वो आप टाइम मिला लीजिए और यहाँ पर 12/2/2021 और यहाँ पर देखिए कि जो टाइम है यहाँ पर आपको टाइमिंग भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है और यहाँ पर आपको जो है एकदम लाइव यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इंडिया में या इंडिया से बाहर कोई भी कंट्री का देखना चाहते हैं यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे इंडिया वाले पे सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे जो भी कंट्री का देखना चाहते हैं, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया का देखना चाहता हूँ, मैं इस ऑस्ट्रेलिया वाले पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जहाँ जहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं वो आपको यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर दिखा देते हैं जो पब्लिक के लिए कौन सा ओपन है। तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया सिडनी का है, यहाँ पर आपको ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया सिडनी का है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर आ चुका है कनेक्ट होकर यहाँ पर लाइव। तो यहाँ पर देखिए लाइव यहाँ पे जो है सिडनी है, यहाँ पे जो चल रहा है जो बोट वगैरह जो है पानी में चल रहा है वो आपको यहाँ पे लाइव। तो इस तरीके से आप दुनिया के कोई भी कैमरा को बहुत ही आसानी से अपने स्मार्टफोन से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से मैं बैक आता हूँ, बैक आने के मैं थ्री डेट पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ है, यहाँ पर मैप को दोबारा भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज में आप यहाँ पर कैटेगरी पर क्लिक करके जैसे कोई
भी फेवरेट कैटेगरी का देखना चाहते हैं तो उस कैटेगरी का देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट का देखना चाहते हैं, एनिमल का, एग्रीकल्चर का, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जैसे मैं एनिमल्स को देखना चाहता हूँ तो 191 कैमरा जो है वो पब्लिक के लिए ओपन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते यहाँ पर देखिए कि जो पब्लिक के लिए ओपन है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको कैमरे आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस तरीके से इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इसको आप देख सकते हैं लाइव। तो यहाँ कनेक्टिंग से नीचे आ रहा है लिखा कि यहाँ कनेक्टिंग, जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये आपको यहाँ पे लाइव यहाँ पे शो करने लगेगा। देखिए यहाँ पे लाइव आपको स्टार्ट हो चुका है और एनिमल का ये है, तो ये अभी का आपको टाइमिंग दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सैन डिएगो का यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप है ना लाइव देख सकते हैं दुनिया के कोई भी कंट्री का कैमरा को। यहाँ पे पॉपुलर में जाके यहाँ पे पॉपुलर पे क्लिक करके यहाँ पे पॉपुलर जो भी कंट्री वगैरह है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जापान टोक्यो वाले पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते यहाँ कनेक्शन का कनेक्टिंग का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आपको लाइव का ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ ऊपर देखिएगा आप जो है 12/2/2021 और यहाँ पे आपको टाइमिंग भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि अभी का ये टाइम है। तो ये आपको एकदम एक्यूरेट एकदम ये आपको सही दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कोई भी कंट्री के कैमरा को जो आप एक्सेस कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से। जो आप कंट्री का देखना चाहते हैं वो कंट्री पे को आप इसमें जाइएगा, यहाँ पे कैटेगरी वाले है कंट्री का, उस पर क्लिक करके इसमें से आप कोई भी कंट्री का देखना चाहते हैं इसमें से आप चूज कर सकते हैं। तो इसमें गाइज आपको ज़्यादा फीचर नहीं मिलता है, बस इतना ही मिलता है। इस यहाँ पे है वेबकैम का पॉपुलर का है UHD और आप मैप द्वारा कर देखना चाहते हैं तो मैप वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी कंट्री लगाया होगा कैमरा वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो कर देता है। यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ पे आपको मैप के द्वारा भी आपको यहाँ पे शो कर देता है। यहाँ पे देखिए इतने सारे जो इंडिया में इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। यहाँ पर मैं टू वाले पे क्लिक करूँगा और टू वाले पे क्लिक करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लाइव आ का इंडिया जयपुर का ये है जो आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा है। ऊपर आप यहाँ पे टाइमिंग भी देख सकते हैं 1:53 हो रहा है इतना सेकंड और यहाँ पे देख रहे हैं 12/2021 का, तो यहाँ पे आपको लाइव दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इंडिया में जो पब्लिक के लिए कैमरे ओपन है उसको आप बहुत ही आसानी से आप उसको लाइव देख सकते हैं। सो गाइस इसी तरीके से आप दुनिया के कोई भी कैमरे को आप अपने स्मार्टफोन पे उसको आप जो है देख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम दुनिया के कोई भी CCTV कैमरा है जो पब्लिक के लिए ओपन है उसको हम घर बैठे अपने स्मार्टफोन से किस तरीके से लाइव देख सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।